हाय गाइस, हम हमारे बालों को घना, लंबा, काला बनाने के लिए ना जाने कितनी केमिकल चीज़ें हमारे बालों में लगा लेते हैं, जिससे हमारे बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम ऐसा क्या लगाएं बालों में जिससे हमारे जो बाल हैं वो काले रहें, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी नहीं हो। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा DIY बताऊँगी जो आपके बालों को सॉफ्ट घना बनाएगा, साथ ही आपके जो नेचुरल कलर है बालों का वही रहेगा। तो इसके लिए आपको एक भगोनी लेनी है, उसमें आपको 2 गिलास पानी डालना है। यस, आपको इस तरीके की चाय पत्ती लेनी है और अपने गरम करनी है। सो गैस, इसे जब तक आपको बॉईल करनी है जब तक कि अच्छे से बॉईल होने नहीं लग जाए। और हम सभी जानते हैं कि चाय पत्ती में काफ़ी मात्रा में फिलामेंट्री पाई जाती है, साथ ही इसमें आपको कड़ी पत्ते डालने हैं। कड़ी पत्ते में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बालों में अगर आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हो रही है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इसे आपको इस तरीके से बॉईल करने के लिए पकाना है। कम से कम 5 मिनट्स तक आप बॉईल कीजिए और बीच बीच में आप हिलाते रहिए। यस, इसे अगर आप वीक में एक बार भी लगाएंगे तो यकीन मानिए आपके बाल बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। सो गाइस, इसे मैंने छान लिया है और छानने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब आप बालों में शैम्पू कंडीशनर कर लेती हैं उसके बाद इसे आपको अपने बालों में अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से बालों को नहीं धोना है, इसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है और इसे सुखा लेना है। सो गाइस, टी वाटर से मैंने अपने बालों को धो लिया है और धोने के बाद आप मेरे बाल देख सकते हैं। यस, अगर आपके भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो रहे हैं, तो एक बार इसे करके देखिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखना फर्स्ट दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब मानसून सीजन चल रहा है तो मानसून में तो बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसमें आप पैसे भी नहीं लग रहे हैं, घर के इन्ग्रीडियंट से ही ये बन के रेडी हो जाती है। एंड गाइस, इस मंथ की गिव अवे विनर में मैंने 2 गर्ल्स को सेलेक्ट किया है, जिनमें फर्स्ट का नाम है ये, इनके लिए मैंने ये गिफ्ट सेलेक्ट किया है, और सेकंड है जिनका नाम है ये। सो गाइस, आई होप आपको ये गिफ्ट भी पसंद आए होंगे, और जिनका नंबर नहीं आया प्लीज़ उदास मत होना, सबका नंबर आ रहा है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ गिव अवे करने के लिए, तो प्लीज़ आप कनेक्ट रहा कीजिए। और वैसे भी आप लोग बहुत टाइम से मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ या लाइक नहीं कर पाती हूँ, बट बिलीव मी, मैं सभी के कमेंट्स सीन जरूर करती हूँ, डेली करती हूँ। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि दीदी हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ती है, मैं डेली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। अब आप मेरे से पूछती हैं कि गिव अवे कब करोगे, गिव अवे कब करोगे, तो ऐसे में क्या होता है, मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कि कब करूँगी, तो इस वजह से फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। कनेक्ट रहिए, और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।